गाजीपुर घाट किराया सूची दिया है इस साइड में, देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ भाई, धूप काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए स्लीपर का बदलने काम किया जा रहा है, समझ सकते हैं लोग, भैया लोग कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप लोग इस साइड से गाजीपुर घाट यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर टिकट काउंटर घाट के लिए नए स्टेशन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। और मैं इस समय हूँ गाजीपुर घाट रेलवे स्टेशन पे, और मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को गाजीपुर घाट रेलवे स्टेशन का पूरा अपडेट देने वाला हूँ, जिसका स्टेशन कोड है GZT। यह स्टेशन अभी नया बना हुआ है, चले चलते हैं, आप लोग को पूरा यहाँ का व्यू दिखाते हैं और ब्लॉग को शुरू करते हैं। मैं प्लेटफार्म नंबर 1 के बाहर, आप लोग देख सकते हैं ये रोड है जो कि जो पुराना स्टेशन था उस साइड में चला जाएगा, जिस साइड में निकास द्वार बना हुआ है। मैं आप लोग को उस साइड का भी व्यू दिखाऊंगा, इसके पहले मैं आप लोग को चलिए यहाँ जो नया स्टेशन बना है उसको मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं चलूँगा जिस साइड में पुराना स्टेशन था। ये अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे अभी इस बिल्डिंग की पुताई की जा रही है। और ये देख सकते हैं अभी पूरा प्लास्टर किया जाना है, और यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, उस साइड में भी काम हो रहा है, तो मैं आप लोग को वो भी दिखाऊँगा। और ये सामने है JCB, ये देख सकते हैं आप लोग पास से, यहाँ पर अभी इस बिल्डिंग की पुताई चल रही है जो कि अभी नया स्टेशन बना है गाजीपुर घाट। काफ़ी छोटा स्टेशन हुआ करता था, बट इसको अभी नया बनाया गया है। ये मैं यहाँ से एंट्री करूँगा, फिर आप लोग को दिखाऊँगा। यहाँ पर अभी पार्किंग एरिया बनाई जा रही है, अभी लोग ऐसे ही अपना गाड़ी खड़ा कर दे रहे हैं। आगे है टिकट काउंटर, और मैं चलिए आप लोग को इस साइड दिखा देता हूँ, फिर चलेंगे प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ में। ये देख सकते हैं अभी इस साइड में ये पूरा धुआं पे देख सकते हैं गाड़ी खड़ी की गई है, अभी कार इस साइड में चल रहा है। इस साइड में देखिए अभी एंगल जो लगा है बनाया गया है लोहे का बाउंड्री, उसको अभी पेंट किया जा रहा है। अभी देख रहे हैं नए नए गमला यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि इसी स्टेशन का जो कि उद्घाटन 6 तारीख को हुआ है गाजीपुर घाट स्टेशन का। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है टिकट काउंटर गाजीपुर घाट, ये देख सकते हैं पूरा टाइल्स लगाई गई है यहाँ पे, और ये है टिकट काउंटर यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको टिकट लेना है तो यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए गाजीपुर घाट किराया सूची दिया है इस साइड में, देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप वीडियो पोज करके पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं गाजीपुर घाट, देखिए डाउन समय सारणी 30/10/2023 लागू है, और अब देख सकते हैं यहाँ पर टाइम दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ में, और यहाँ पर एक देखिए कासन नोटिस है, सावधान उच्च वोल्टेज कर्षण जो तार लगा है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि उसको मतलब न छुएं। और ये देख सकते हैं चारों तरफ आप, इस साइड में भी देखिए गमला भी रखा गया है, और इस साइड में भी आप देख सकते हैं। तो अभी नया स्टेशन बना है इसलिए यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की गई है, जिसका उद्घाटन 6 तारीख को किया गया था। और भाई मैं आ चुका हूँ प्लेटफार्म नंबर 1 पर, ये देख सकते हैं इस साइड में ये है प्लेटफार्म नंबर 1, काफ़ी लंबा प्लेटफार्म बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक पूरा। और इस साइड में भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लंबा प्लेटफार्म बनाया गया, और उस साइड में है प्लेटफार्म नंबर 2, उसके जस्ट बगल में है प्लेटफार्म नंबर 3। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड में 2 प्लेटफार्म है और 4 पटरियाँ हैं, या कह लीजिए 4 ट्रैक हैं और 2 प्लेटफार्म है, और उस साइड में मिलाकर 1 प्लेटफार्म और, टोटल यहाँ पर 3 प्लेटफार्म है और आपका 5 पटरियाँ हैं या 5 ट्रैक हैं। इस साइड में देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं लोहे का बना करके यहाँ पर घेरा गया है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर टीन सेट काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पर लगाए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग इस साइड में भी, और आप लोग प्लेटफार्म नंबर 2-3 पर भी देख सकते हैं। और आगे वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर शौच वाशरूम मतलब टॉयलेट रूम बनाया गया है, क्योंकि भाई देखिए नहीं रहता तो काफ़ी दिक्कत होता है स्टेशन पे। और ये देखिए यहाँ पे एक हैंडपम्प लगाया गया, देख सकते हैं वहाँ पे पानी पीने के लिए। और ये देख सकते हैं पूरा इस साइड में भी है टॉयलेट रूम आगे बनाया गया है और हैंडपम्प लगाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देख सकते हैं वहाँ पर। चलिए चलते हैं आप इस साइड में आप लोग को व्यू दिखाता हूँ यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पर केवल 1 फुट ओवरब्रिज बना हुआ है, और इस साइड में आप देख सकते हैं रेल यात्री उपभोक्ताओं हेतु निर्देश, मतलब जो तार गया है इलेक्ट्रिक वायर उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर बाल्टी में जब आग उग लग जाती है उस समय के लिए यहाँ पर बालू और पानी इसमें रखा गया है। और ये देख सकते हैं SM रूम है, उसके आगे है जो ESM कच्छ, उसके आगे है रिले रूम। और इस स्टेशन का जो कि उद्घाटन 6 तारीख को हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एक पोस्टर लगाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर CRS
इंस्पेक्शन लिखा गया है, गाजीपुर घाट ताड़ी घाट यहाँ से जो उसकी दूरी है वो दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर 7.15 km बाई श्री प्रणब जी सक्सेना CRS एनी सर्किल लखनऊ ऑन 6 मार्च 2024 यहाँ पर ये लिखा गया है। और इसके आगे जो कि रूम है देख सकते हैं IPS रूम है, उसके आगे बाट रूम है, और उसके आगे OFC रूम है, और उसके आगे जो है कि PC मेंटेनेंस रूम है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए पूरा यहाँ पर अभी गमला में फूल लगाया गया है। और इस साइड में देखिए अभी जो यहाँ पर लोहे का लगा करके देख सकते हैं आप लोग बनाया गया है, घेरा गया है, अभी यहाँ पर पेंट किया जा रहा है। और ये स्टेशन पूरी तरह से विद्युतीकृत है। अभी यहाँ पर भाई पार्किंग का काम चल रहा है, ये भैया लोग हैं देखिए यहाँ पर अभी पेंट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये है फुट ओवर ब्रिज सामने, और प्लेटफार्म नंबर 2 से आप लोग देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 का व्यू इस साइड में देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, उस पर लिखा गया है गाजीपुर घाट, ये देख सकते हैं। और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर ज़्यादा बड़ा टीन सेट नहीं है, बट क्योंकि ज़्यादा बड़ा लगाने का रीज़न भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बस पैसेंजर ट्रेन ही रुकती है, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें यहाँ पर नहीं रुकती हैं, इसलिए जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से यहाँ पर टीन सेट लगाए गए हैं। और ये है प्लेटफार्म नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं, और यही नई पटरी बिछाई गई है जो देख सकते हैं आप लोग। उस साइड में एक ओवरब्रिज बना है, आप देख सकते हैं उसी ओवरब्रिज से हो करके ये जो ट्रेन है दिलदार नगर के लिए यहाँ से जाएगी। ये था पूरा यहाँ का व्यू, मैंने आप लोग को पूरा कोशिश किया। चलिए चलते हैं उस साइड में जहाँ पर पहले स्टेशन हुआ करता था, वहाँ पर ऑफिस भी है और उस साइड में काम भी अभी चल रहा है पटरी का। चलिए मैं आप लोग को उस साइड का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी यहाँ पर पूरा स्टेशन पे जो है प्लेटफार्म एक और पूरा ढाला जाएगा, ये देख सकते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर आपका सरिया बिछाया जा रहा है इस साइड में देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सरिया बिछाया गया है, इसको अभी ढाला जाएगा। और यहाँ से अभी जो कि आप देख सकते हैं जो मशीन बैठाई गई है वहाँ से सीमेंट बालू लद करके यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए चलते हैं उस साइड में। और भाई यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग RMC प्लांट कहिए या मिक्सर मशीन, जो बालू सीमेंट और जो गिट्टी है उसको यहाँ पर मिलाया जाता है, उसके बाद जो कि ढलाई किया जाता है। ये देख सकते हैं पास से मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, और इसके जस्ट बगल में मैं आ गया हूँ जो पुराना स्टेशन था वहीं पे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इस समय 1:30 बज रहे हैं भाई, और धूप काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए स्लीपर का बदलने काम किया जा रहा है, समझ सकते हैं लोग भैया लोग कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं धूप में, समझ सकते हैं आप लोग बहुत ही भैया, पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, आप समझ सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं इस समय यहाँ पर, पूरे ट्रेन का जो पटरी बिछाई गई है उसमें स्लीपर बदलने काम देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर अधिकारी लोग भी खड़े हैं, यहाँ पर ये भैया भी हैं देख सकते हैं आप बैठे हैं। चलिए चलते हैं अभी स्टेशन की तरफ, इधर भी कुछ ऑफिस बनी हुई है तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं PMC ऑफिस लिखा गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी भी पार्क की गई है, और इसके बगल में जस्ट है RVNL ऑफिस, रेल विकास निगम लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम इस साइड में, और उसके आगे भी एक बनाया गया है ऑफिस, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये है पुराना स्टेशन जो कि काफ़ी छोटा हुआ करता था, देखिए आप यहाँ पर लिखा गया है गाजीपुर घाट, ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी हालत देख सकते हैं आप, काफ़ी छोटा था, बस यहाँ पर टिकट मिलता था और थोड़ी सी जगह थी बैठने के लिए। ये देख सकते हैं आप लोग इस साइड से गाजीपुर घाट यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर टिकट काउंटर घाट के लिए नए स्टेशन पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है एरो, तो मतलब टिकट जो कि आपको वहाँ पर मिलेगा, और पहले यहाँ पर टिकट मिला करता था, ये देख सकते हैं टिकट खिड़की है यहाँ पर, और इस पर लिखा है इस स्टेशन पर बिके हुए टिकट की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। ये देख सकते हैं पहले यहाँ पर टिकट काउंटर हुआ करता था, और ये जो है किराया सूची दिया गया था यहाँ पर पहले, जो कि अब नया बन जाने से यहाँ पर क्योंकि टिकट काउंटर हटा दिया गया, अब शिफ्ट कर दिया गया नया स्टेशन पर, ये देख सकते हैं पूरा यहाँ का। और इस साइड में देख सकते हैं अभी जो
दिलदार नगर के लिए जो ट्रैक बिछाया गया है उसमें देखिए अभी काम चल रहा है उस साइड में। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इस पे भी लिखा गया है, आगे बोर्ड लगाया है एक छोटा सा, रेल विकास निगम लिमिटेड। और इसके बगल में वो स्टोर रूम है वो जो देख सकते हैं आप लोग, टीन सेट का बनाया गया है। और ये रास्ता है आपका निकास और एंट्री दोनों के लिए, इधर से जाएंगे तो निकास हो जाएगा, उधर से आएंगे तो एंट्री के लिए गेट बनाया गया है। और इसको भी देख सकते हैं अभी हाल ही में यहाँ पर RCC किया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए मैं आप लोग को आगे से भी व्यू दिखा देता हूँ। और बीच में देख रहे हैं आप लोग बनाया गया है पेड़ पौधे लगाने के लिए, और इसमें पेड़ पौधे जो कि लगाए भी गए हैं। भविष्य में जब यहाँ पर पूरी तरह से काम हो जाएगा तो यह स्टेशन देखने में और भी अच्छा लगेगा, ये देख सकते हैं आप लोग। आगे बोर्ड भी लगा है गाजीपुर घाट, मैं आप लोग को चलिए आगे दिखा देता हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग, मैं इसमें रोड पे आ चुका हूँ और यहीं पर बना है एंट्री गेट, ये देख सकते हैं बड़ा सा यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर गाजीपुर घाट रेलवे स्टेशन पर आपका हार्दिक का स्वागत है, उस साइड प्रवेश लिखा गया है एंट्री, और इस साइड में एग्जिट लिखा गया है निकास, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर आपको कुछ दुकानें भी मिल जाएंगी जहाँ से आप गाजीपुर घाट के लिए टर्न होंगे। तो फ्रेंड्स ये था पूरा गाजीपुर घाट रेलवे स्टेशन का भी, जिसका उद्घाटन अभी 6 तारीख को हुआ था। आई होप कि आप सभी लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ। फ्रेंड्स इस ब्लॉग में यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नए प्लेस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।